टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल ले चुका है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कमल विठल के घर पर जाएगा पुलिस फोर्स को लेकर, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ विठल कमल को धमकी देते हुए कहेगा कि तूने देख लिया ना, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कमल पूछता है विठल से कि जगताप कहाँ है। मैं जानता हूँ कि उसी के पास मेरी बेटी है। विठल कहता है कि जगताप पिछले 2 दिनों से गायब है और वो ही उसे फाइंड करेगा, यानी कि वो ही उसे खोजेगा, क्योंकि ये उसका काम है। यहाँ पर कमल को आता है गुस्सा। वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल उसे ढूंढूंगा और ढूंढ कर उसे जेल में डाल दूंगा और तुझे पता चलेगा कि अब पुलिस से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। विठल यहाँ पर कहता है कि एक काम करने दो मुझे सबसे पहले, कि आखिर तुम मेरे बेटे को जानते ही कितना हो। कमल कहता है कि ठीक है, जैसे ही मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढूंगा तुम खुद आकर उसे जेल में जान भी लेना और मिल भी लेना। ये कहकर धमकी देकर विठल को कमल वहाँ से चला जाता है। कमल काले से कहता है कि किसी एक आदमी को सिविल ड्रेस में विठल के घर के आसपास रखो, ताकि जैसे ही साईं का या फिर जगताप का कुछ भी पता चले वो उसे इन्फॉर्म कर पाए। कमल कहता है कि साईं कहाँ है, मुझे ये पता जल्द से जल्द लगाना ही होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विराट और पाकी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर बात कर रहे होते हैं। तभी पाकी कहती है, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी थी मेरी कि मैंने तुमको ब्लॉक किया। अगर मैंने ब्लॉक नहीं किया होता तो आज हम सच में साथ होते। विराट कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पाकी। पाकी फिर कहती है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब हम एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। पाकी कहती है विराट से और उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन विराट उसको रोक लेता है। विराट कहता है कि नहीं पाखी, अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये एक बुरे सपने की तरह है। पाखी विराट से कहती है कि नहीं, हम दोनों इस बुरे सपने को तोड़ करके अपनी लाइफ को खुश रखेंगे और थैंक्स टू सम्राट कि उसकी वजह से आज मैंने तुम्हें अपने पास पाया। विराट कहता है पाकी से कि नहीं, वो सम्राट के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो पाकी के साथ उसे शादी करने के लिए मना नहीं करने वाला। ये सुनकर पाकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है। पाकी कहती है, लेकिन मेरा क्या, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? विराट कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, लेकिन मैं सम्राट को हर्ट नहीं कर सकता। वो मेरी फैमिली ही नहीं है, बल्कि वो इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है। विराट की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है पाखी और रोते रोते कहती है कि आखिर तुम ये 3 जिंदगियाँ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? विराट कहता है कि नहीं, जख्म को समय भर देता है पाखी। पाखी कहती है कि लेकिन कुछ घाव का इलाज कभी नहीं होता, वो हमेशा जख्म जख्म ही रह जाते हैं। विराट कहता है पाखी से कि अगर उसने कभी भी उससे प्यार किया है और थोड़ी बहुत भी फिक्र करती है तो प्लीज़ वो उसके भाई से शादी कर ले। यानी कि विराट पाखी को फोर्स करता है सम्राट से शादी करने के लिए और पाखी रोने लगती है। यहाँ पर पाखी की मॉम आती है और वो विराट उसके आंसू पोंछ रहा होता है, और ये दोनों को इस तरीके से देखकर पाखी के पास कोई शब्द नहीं होते अपनी मॉम को कहने के लिए। यहाँ पर पाखी अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये विराट है। पाखी की मॉम कहती है, मुझे पता है। पाखी यहाँ पर आपको ये कहती आएगी नज़र कि ये वही विराट है जिससे मैं नासिक में मिली थी माँ, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये बात सुनकर पाखी की मॉम को भी झटका लगता है। यहाँ पर साईं आप देखेंगे कि गोडाउन में बंद होती है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करती है वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और एक खाली सिलेंडर पर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो वहाँ से निकलने के लिए नाकाम होती है, क्योंकि एंड मौके पर जगताप आता है और कहता है कि साई तू ये गलत कर रही है, और इस तरीके से साई को वो डराता है और रोड पर जाने के लिए धमकी भी देता है। यहाँ पर जगताप जैसे ही साई को गिराने वाला होता है वो जगताप के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि नो, ये बहुत ज़्यादा फिल्मी है। जगताप साईं को देख करके कहता है और फिर कहता है कि चलो अब
ड्रामा बहुत हो गया, अब हम कोई रोमांटिक सीन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जगताप अपनी हद पार करने की कोशिश करेगा और सई को किस करने की सोचेगा, लेकिन सई अपने आप को छूने तक नहीं देगी। तभी आप देखेंगे कि सई दूर दूर तक कोई भी हेल्प ना देखते हुए काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है, लेकिन जगताप को अपने पास नहीं आने देती। यहाँ पर सई रोती है, चिल्लाती है और अपने आबा के लिए भीख मांगती है। जगताप कहता है कि सुन सई, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, तुझे यहाँ लाया हूँ, अब मैं वेस्ट तो ये सब कुछ नहीं जाने दूंगा। जगताप कहता है कि अब मैं तुझे अपनी बीवी बना करके ही छोड़ूंगा और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम है, मुझे पता है तेरे लिए भी, लेकिन हाँ, तू अगर एक दिन एक रात मेरे साथ रहेगी तो लोग सोचेंगे कि हमारे बीच ज़रूर कुछ लफड़ा हुआ है और फिर हमें शादी करनी होगी और ने अपनी पहली सुहागरात भी मना ली है। लेकिन साई ये सुनने के बाद और भी ज्यादा रोती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा और मोहित डिस्कस करते हैं कि आखिर विराट पाकी के साथ अंदर इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और करिश्मा कहती है कि चलो, जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा लगता है कि वो दोनों पहले मिल चुके हैं। लेकिन मोहित कुछ रिएक्ट करे उससे पहले सनी आकर के, यानी कि विराट का जो दोस्त है, वो आकर के टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि मैंने काकू को बात करते सुना था कि वो चाकू लेकर के आपको धमकाने वाली है। करिश्मा पूछती है, लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? तो सनी कहता है, क्योंकि उन्होंने आपको एक काम दिया था जो आपने अब तक नहीं किया। करिश्मा और मोहित सोचते हैं कि ऐसा कौन सा काम था। सनी कहता है कि आप भूल गए कि आपको केटरिंग वालों से कुछ बात करनी थी। करिश्मा कहती है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलो मोहित यहाँ से चलते हैं और वो काम करते हैं। तभी वहाँ पर वो सोचते हैं विराट को बुलाने की, लेकिन सनी कहता है कि वो दोनों अपना काम करें, मैं विराट को लेकर के आ जाऊँगा। जैसे ही रूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर पाखी के पापा भी आ जाते हैं और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। पाखी की माँ यहाँ पर कहती हैं कि हर जगह शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, सम्राट का नाम लिख चुका है, तुम्हारी मेहंदी भी सम्राट के नाम की लग चुकी है और अब लोग क्या सोचेंगे। पाखी कहती है कि माँ, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्ड पर नाम चेंज हो सकता है, मेहंदी पर भी चेंज हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे ये मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन मेरी खुशी इन सबसे बढ़कर है। पाखी यहाँ पर रोती है, विराट को कंसोल करने की कोशिश करती है कि सम्राट कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन विराट नहीं है, मैं विराट को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो एक एक करके अपनी माँ पापा और विराट को कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी के जो पापा होते हैं वो सारा फैसला विराट पर सोच देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन अब होगा वही जो विराट चाहेगा। यहाँ पर विराट बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि विराट कहता है, ठीक है, मैंने सोच लिया है मेरा फैसला क्या होगा और मैं अपने भाई के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पाखी, लेकिन मैं अंदर से मजबूर हूँ। और विराट ये कहकर के वहाँ से चला जाता है। विराट, सनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और विराट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सनी कहता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे पाखी को सबसे पहले तेरा नंबर मैसेज कर देना चाहिए था, इस सारी सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि तुम दोनों की लव स्टोरी मेरी वजह से खराब हुई और अब खत्म होने वाली है। विराट ये सब सुनकर स्पीड बढ़ाता है कार की और सनी कहता है कि प्लीज़ तू जल्दी से पाखी को जाकर के हाँ कह दे। विराट कार की स्पीड और बढ़ाता है। सनी कहता है, विराट आराम से, हम रोड पर चल रहे हैं। तभी अचानक से विराट कार रोकता है और विराट कहता है, नहीं, ये पाखी का फॉल्ट नहीं है, जिस तरीके से काकू साहिब ने हम सब के एब्सेंसी में रिश्ता भेजा और जिस तरीके से सम्राट बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो आखिरकार कोई उसे मना कैसे कर सकता है। सनी यहाँ पर कहता है कि विराट, शादी अगले 3 दिन में है। तो यहाँ पर विराट सम्राट से कहता है कि नहीं, सिर्फ 10 दिन की बात है। विराट वो सारी बातों को सोचता है जो पाखी के साथ उसने खूबसूरत पल में बिताई थी, और साथ ही वो ये भी सोचता है कि सम्राट पाखी का नाम सुनते ही, इस रिश्ते की बात सुनते ही कितना खुश है। विराट कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो किस्मत है, अगर हम दोनों का मिलने से पहले ही बिछड़ना लिखा है तो वो हो गया। ये बात कहकर के विराट बहुत ज़्यादा रोने लगता है और परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सई
कोशिश करती है वहाँ पर सबको उल्लू बनाने की और सोने की एक्टिंग करती है। जैसे ही जगताप के लोग वहाँ आते हैं, जगताप कहता है कि साई तो भाई बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है, लेकिन वो आज के बाद बहुत ही अच्छे से बिहेव करेगी, क्योंकि जब उसकी एक बार भाऊ से शादी हो जाएगी तब वो इसी तरीके से अपनी सुहागरात पर भी सोती नजर आएगी। यहाँ पर एक जगताप का मेम्बर जो होता है वो साई के टेलर के पास जाता है और कहता है कि जाओ जाकर के दुल्हन का नाप ले लो। जगताप वहाँ पर फोन लेता है और धमकी देता है टेलर को कि अगर उसने सई को हाथ भी लगाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे यह सई देखती है कि जगताप का फोन पास में है और कोई भी आसपास नहीं है, वो भाग जाती है फोन लेकर के और जगताप को अंदर जाती है और फोन करती है। वापस में आप देखेंगे कि सई मिसिंग है, ये हर जगह यहाँ पर उसके पापा बता देते हैं और हर कोई सई को मिस करता है। लेकिन दूसरी तरफ जगताप की पूरी टीम सई को ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर वो फ़ोन लेकर के कहाँ भाग गई है। तभी आप देखेंगे कि कैसे दो लोग सई को ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे होंगे, तो दूसरी तरफ सई भगवान से प्रे करेगी कि उसे कोई रास्ता दिखाए। सई जैसे ही भगवान से दुआ कर रही होगी, उसे एक स्कूटी की चाबी मिलेगी और स्कूटी भी ऑन होगी। तभी स्कूटी लेगी साई और वहाँ से भाग जाएगी। जगताप की गैंग अपनी अपनी कार में बैठेंगे और सई को ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न भरा होने वाला है अपकमिंग एपिसोड, जिसमें पाखी को तैयार किया जाएगा संगीत सेरेमनी के लिए, लेकिन पाखी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वैशाली और सभी घर वाले पाखी को मिलने आएंगे शादी से एक दिन पहले, लेकिन कोई भी बिलीव नहीं कर पाएगा कि विराट और पाखी एक दूसरे को पहले से जानते थे। हर कोई यही पाखी की तरफ पॉइंट ऑफ फिंगर्स करेंगे कि आखिर तुम एक दूसरे को जानते थे तो तुम चुप क्यों रही। यहाँ पर कहते हैं शैलेश कि देखिए मैं एक बाप हूँ, इसीलिए मैं अपनी बेटी को ज़िंदगी भर तो इस तरीके से अपने घर पर बिठा कर नहीं रख सकता, इसीलिए मेरी पाखी ने ये डिसाइड किया है कि वो काफ़ी अच्छे से सम्राट की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि पाखी रोते रोते सारी रस्में करेगी और उसके बाद क्या होगा ये आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।